हेलो फोक्स आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं ये अपॉर्चुनिटी हमारे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जिसको आप सभी लोग एस के नाम से जरूर जानते होंगे एस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और एस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन एटीन ऑफ अक्टूबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन लॉ डिपार्टमेंट

एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी को देना चाहता हूं जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे लीगल अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो चाहे वो आपकी ज्यूडिशरी की वैकेंसी हो चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, हो या फिर हमारे लीगल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कोई अदर वैकेंसी हो इट मीन ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आप सभी को टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को कर पाए तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं वो वो मेक श्योर कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं एस ने हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है वो हमारे लिए इलेवन है और इसमें जो हमारी जॉब लोकेशन के बारे में बताया गया वो हमारी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई और हैदराबाद में से कोई भी लोकेशन हो सकती है एस एफ आईओ हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें जूनियर कंसल्टेंट की कर रहा है और यंग प्रोफेशनल की कर रहा है जूनियर कंसल्टेंट में हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए पांच निकाली गई है और जो हमारे यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई है वो हमारे लिए छह निकाली गई है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए इलेवन निकाली गई है अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिल अप करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है? इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली कि हमें इस फॉर्म को बिफोर नाइन्थ ऑफ नवंबर 2023 इस फॉर्म को फिलअप कर देना है तभी हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें दोनों डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहली जो हमें ने डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें यंग प्रोफेशनल इन लॉ डिपार्टमेंट की करी है इसमें हमारे लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, अगर हम एक एल एल बी ग्रेजुएट है इन रिस्पेक्टिव हमने थ्री ईयर का एल एल बी कोर्स कराए या फिर फाइव ईयर का बी एल एल बी का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर हमारे पास एल एल बी की डिग्री है

यंग प्रोफेशनल में हमें जो पे स्केल प्रोवाइड करा जा रहा है रेमुनरेशन दिया जा रहा है वो हमारा सिक्सटी थाउजेंड रुपीज मंथली प्रोवाइड किया जाएगा एस एफ आईओ के द्वारा अब बात कर लेते हैं हम अपनी सेकेंड पोजिशन के बारे में जिसमें हमें एस एफ आईओ डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें जूनियर कंसल्टेंट की कर रहा है इसमें हमारे लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है इन्होंने जूनियर कंसल्टेंट के लिए क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने थ्री ईयर का एल कोर्स करा कोर्स कराया फिर फाइव ईयर का बी एल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी तो आप इनका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैच करते हैं अब बात कर लेते हैं हम अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तीन साल से लेके आठ साल तक हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और इन दोनों ही डेजिग्नेशन में क्लियरली करा गया है कि अगर आपकी प्रैक्टिस की स्पेशलाइजेशन किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के या किसी रेगुलेटरी बॉडीज के या कॉर्पोरेट लॉ के रिगार्डिंग है तो आपको अपर एज दिया जाएगा यानी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट से अब बात कर लेते हैं हम अपने जूनियर कंसल्टेंट के पे स्केल के यानी रेमुनरेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मैंशन कराए कि जूनियर कंसल्टेंट के लिए जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी एसएफआईओ के द्वारा वो आपका एट्टी थाउजेंड से लेके वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड के इन बिटवीन होगी ये आपकी सैलरी डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन को लेके और साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंस को लेके अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर एस ने अपने पूरे एडवर्टाइजमेंट में एज के रिगार्डिंग कोई भी चीज मेंशन नहीं करी है इट मींस कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं रखी गई है तो इस फॉर्म को कोई भी कैंडिडेट फिलअप कर सकता है एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम और बात कर लेते हैं ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है आपका तीन साल का एस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को अच्छी लगती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर रिन्यू भी कर सकते हैं तो ये टोटली totally एस के ऊपर डिपेंड करती है अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि हमारा कितने ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा

परमिशन के बाद ही प्रोवाइड करा जाएगा तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में हमें मेंशन करी गई है इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिलअप करना है आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप जब पहला लिंक उसमें आपको दिखेगा वो आपका इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग है आप चाहे तो इसे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करके खुद से भी पढ़ सकते हैं नीचे description box में ही जो आपको second link available होगा, जब आप 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 करेंगे, तो आप directly की official website पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपने form को फिलअप कर सकते हैं केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरियर होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को टाइमली ही रिप्लाई कर दूं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस खत्म कर पाए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाए तो मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक like, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप ऐसी ही हर एक लीगल फर्टिनिटी की रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में टाइमली अपडेट्स चाहते हैं तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें मत जाइएगा थैंक यू सो मच